फेवरेट पीएसएल मेमोरी थर्ड एडिशन के लिए जब हम लोग चैंपियन हुए हैं, क्योंकि चैंपियन वाली जो मेमोरी होती है वो आपको एक याद रहती है, इसलिए पीएसएल की जो हम चैंपियन हुए हैं वो है, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो आपकी होती रहती है, कभी होती है कभी नहीं। परफॉर्मेंस आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बार होती है, जो आप चैंपियन बनते हैं ना तो वो जो मेमोरी है वो आपको ज़िंदगी भर याद रहती है, परफॉर्मेंस तो भूल भी जाती है। तो बंदा ये सोचता नहीं है कि पहले साल ही इतनी अच्छी टीम मिलेगी, इतनी अच्छी फैमिली मिलेगी, तो उन्होंने ना फील होने दिया कि मेरा पहला साल है उनके साथ। तो इसी वजह से थ्रू आउट हमारी टीम जितने मेरे साथ नए लड़के भी आए सारे बड़ा अच्छा मतलब फैमिली की तरह रहे हैं। Okay, favorite moment was obviously winning the PSL, to be involved in my first season to win it and sort of win the way we did and have such a great tournament obviously. We had lots of players through the whole thing. Bayan abhi tak ki meri memories hai जो मेरी फेवरेट है। फाइनल में जो हसन अली जिस साल हम जीते थे हसन अली को तीन छक्के मैंने मारे तो वो पहले की मेरी बेस्ट मेमोरी थी। तो ये मेरी ये मैं कभी भूल नहीं सकता इसको। और विनिंग हमेशा एक अच्छा मोमेंट होती है, तो बहुत ज़बरदस्त मोमेंट रहा है हमारी पीएसएल में पूरी फ्रेंचाइज का। एज ए प्लेयर मैं अपनी बात करूँ तो बहुत फेवरेट मोमेंट्स थे मेरे, और एज ए मतलब एक अपोनेंट के खिलाफ खेलने वाली अगर बात हो तो मेरा फेवरेट मोमेंट वो था जब मैं पीएसएल 2 में जब मैंने ब्रेंडन मैकलम को 2 दफ़ा आउट किया था, और बहुत अच्छा मोमेंट था क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने आउट किया था तो सेलिब्रेट भी मैंने उसी वक्त किया था, तो जो मेरी सेलिब्रेशन मशहूर हुई थी वो उस आउट करने के बाद ही हुई थी, तो जब सेकेंड टाइम किया तो वो ग्रेजुअली और ज़्यादा लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। तो बहुत अमेजिंग जर्नी रही है पीएसएल के साथ और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, तो बहुत अच्छी मेमोरीज थी।